बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये जमजम जो हमें मिलती है हाजियों को, ये जमजम हमें लेके जाने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं इट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट फेयर। सो हे गाइस, दिस इज शाम खान, यू आर मियां बाय टॉक्स एडमिन, और माशाल्लाह हमारा उम्र का टूर होता है कंप्लीट यहाँ पर, और माशाल्लाह हम जा रहे हैं अभी इंडिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत हुई, मक्का मदीना सबकी अच्छी से ज़ियारत हुई, और मदीने में ये होटल थी हमारी, तो ये बहुत ही करीब थी आपको, जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट की वॉकिंग में थी मदीना से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे शरीफ भाई, और इनका टूर का नाम है हाफिज़ टूर एंड ट्रैवल, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शरीफ भाई क्या बोलना चाहोगे? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टूर की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, सारी ज़ियारतें मक्का मदीना की मुकम्मल करा दें हम लोग जी, उसके बाद हमारे हाजी को कोई परेशानी तकलीफ ना हो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हम लोग, इंशाल्लाह यही हमारी स्पेशलिटी है, यही हमारी, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, चाहे सेवा कह लें चाहे हुज्जाज इकराम की खिदमत कह लें, इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे इंशाल्लाह शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जिसे भी कांटेक्ट करना हो, जिसे भी उम्रा है, दोनों के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए। ओके, तो हज उम्रा हो इंशाल्लाह आप इनसे कांटेक्ट करिए, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इनसे जो भी पैकेज का है आप डिस्कस कर लेना, और मेरा रेफरेंस हो गया तो इंशाल्लाह वो थोड़ा कम भी कर देंगे, है ना? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं ये बस में, ये हमारी बस है जिसमें हम जाने वाले हैं अभी जद्दा एयरपोर्ट, और सद्दाम भाई इधर साथ में अभी चलने वाले हैं अभी हम लोग माशाल्लाह, और आपको सीधा मिलता हूँ अभी जद्दा एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं। तो ये है हमारी बस जिसमें हम जाने वाले हैं अभी जद्दा एयरपोर्ट। ठीक है, सब माशाल्लाह हाजी भरे हुए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, जैसे देख सकते हो ये जद्दा एयरपोर्ट, और पूरे हाजी हमारे जो साथ में आए थे वो सब ने सामान बाहर निकाल लिया है, अभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाना जो टूर ने दिया है वो खा के हम जाएंगे अंदर एयरपोर्ट में। ठीक है, ये बस से हम आए मदीना टू जद्दा। ओके, तो अभी ये पीछे हम जाएंगे अंदर एयरपोर्ट के, देखो बहुत सारे सामान है तो उसकी वजह से कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, कुछ चीज़ें जो है वो शूट कर लूँगा। ठीक है, तो चलते अंदर देखते हैं। ये है जद्दा एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सब पूरे हाजी हैं, नानी इधर खड़े हुए हैं, भाई इधर हैं, ये सब हाजी आ गए, इनको खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी, फिर अंदर जाएंगे। तो हम एंटर हो चुके हैं अंदर एयरपोर्ट में, देख सकते हो ये नहादी है जो मेडिकल सेंटर है। ठीक है, और ये एयरपोर्ट का अंदर चेक इन वगैरह बोर्डिंग वगैरह के लिए इधर है, हमको जाना है C2 पे, C1। सो फाइनली हमारी चेक इन तो हो गई और बोर्डिंग पास भी आ गया, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये जमजम जो हमें मिलती है हाजियों को, ये जमजम हमें लेके जाने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं इट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट फेयर, सऊदी एयरलाइंस या कोई भी एयरलाइंस हो जो जिद्दा एयरपोर्ट से लेके नहीं जाने दे रही है। अरे हाजी आता है तो यार उसको जमजम की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि वो जाकर उधर बांटेगा, लोग पूछेंगे कि जमजम किधर है, तो बांटने के लिए तो चाहिए, आप जमजम ही अलाउड नहीं करोगे तो हम क्या लेके जाएंगे, मतलब हाजी क्या लेके जा रहा है फिर, दैट्स नॉट फेयर, रियली अ सैड मोमेंट फॉर हाजीज। ओके, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि ये हमारा जमजम जो हमने तीन हमें मिले थे एक पर्सन को 1.5 लीटर, ये अलाउड ही नहीं कर रहे, और इतने सारे जमजम हैं जो सब ने लेके आए हैं ग्रुप में, वो सबको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमको अलाउड ही नहीं कर रहे, रियली सैड मोमेंट। फाइनली इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और हम जा रहे हैं अभी हमारे गेट पर जो कि 20 है समथिंग, गेट नंबर मैं बता दूँ आपको, गेट नंबर लिखा नहीं है, सिर्फ जोन 2 लिखा हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी, और आपको मैं बताता हूँ अभी मेट्रो आती है, जैसे अभी आपको पता है जब जाने टाइम भी आपने देखा था मेट्रो है, तो मेट्रो हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट तक, ओल्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो देख सकते हो मेट्रो खड़ी हुई है, तो अभी हमें इसमें जाना है और नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, जैसे कि आपने देखा था जब मैं आया था तब भी मेट्रो में बैठा था और इधर इमिग्रेशन काउंटर आया था। ठीक है, तो मेट्रो आ गई है, देख सकते हो ये मेट्रो है, अभी इसमें जाना है हमें नेक्स्ट स्टॉप पे। ठीक है, और नानी बहुत खुश है इंडिया आने के लिए, और ये मेट्रो देख सकते हो आप ड्राइवर लेस होती है, आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। ठीक है, देख सकते हो तो ड्राइवर ही नहीं है, ये मेट्रो है जिससे हम जाएंगे अभी एयरपोर्ट। अभी
अरुणाचल डिपार्चर है, इसमें हम उतरेंगे जो नेक्स्ट स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक जाती है सिर्फ, अभी हमें उतरना है, ठीक है। तो अभी हमें उतरेंगे बाहर। ये मेट्रो से गए भी थे और आए भी, मतलब अभी जाने के लिए घर पर इंडिया के लिए, और जब आए भी थे इंडिया से जद्दा, तो ये मेट्रो ही थी जो हमें आगे इमिग्रेशन काउंटर पे लेके जाती है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट पर, जहाँ पे हमारी सऊदी एयरलाइन आने वाली है। तो ये है ड्यूटी फ्री, इमिग्रेशन के बाद उसके बाद आता है सिक्योरिटी चेक, उसके बाद में आप क्लियर करने के बाद ये आता है ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री से कुछ चीज़ें देनी थी, वो देखते हैं क्या, ठीक है, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो कितना प्यारा बना है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 46 गेट नंबर पर, जो कि है चिट्टा टू बॉम्बे। यहाँ पे इन लोग के देखो गेट नंबर भी लिखा नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पूछ के हेल्प करने वाले बहुत हैं यहाँ पे, तो हेल्प हो जाती है करके हम लोग को पता चला कि 46 ए पर है। तो यहाँ आके अभी बैठे और पीछे सीनरी देखो, प्लेन्स पूरी खड़ी है और पूरी सऊदी एयरलाइंस है, तो इससे ही जाने वाले हम लोग। और आपको मैं बैक कैमरा ऑन करके अभी सीन दिखाता हूँ, वो देखो आप। अभी हम बैठे हैं वेटिंग एरिया में वेट करते हुए, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है 7:30 की है और अब हो रहा है 6:15, तो मतलब 1.5 घंटा और है। तो एक घंटे पहले तो वो लोग अंदर एंटर करवा देते हैं, तो 1 घंटा और वेट करना है, फिर अंदर जाके आराम से आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 7 बजे बराबर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो देख सकते हो सब लाइन में लग गए। अभी हम प्लेन में बोर्ड करेंगे, आपको फिर जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको सब बताता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी अंदर आ गए हैं और अभी जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ, ठीक है। देखो अभी सामने भी फ्लाइट खड़ी है, अंदर फ्लाइट में जाने का रास्ता जो कि इतना लंबा लंबा चल रहे हैं हम। सो हमारी सीट है 58E, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे और देखेंगे किधर है हमारी सीट, ओके। तो फाइनली हमारी सीट आ गई है, देख सकते हो 58E। तो यहाँ ही हमारी तीनों की सीट है, नानी मेरी और भाई की। और देखो विंडो सीट मिली ही नहीं है इस बार, बीच की सीट मिली है यार, क्या ये बहुत ख़राब लगा है, बीच की सीट में क्या करूँ। तो हमारी सीट तो थी यहाँ बीच में, लेकिन पैसेंजर 100 सीट खाली है इसकी एयरलाइंस की, जैसे कि एयर होस्टेस ने बताया। तो मैंने ये विंडो सीट पकड़ ली सिर्फ आप लोग के लिए, मुझे क्योंकि बाहर की सीनरी शूट करनी होती है, और ब्लॉगर को अगर विंडो सीट ना मिले तो उसको फ्लाइट में बैठने का मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो अभी जितना भी भारत का जितना भी कवर हो सकेगा यहाँ से टेक ऑफ का और लैंड का इंशाल्लाह वो सब कवर करूँगा, ठीक है। अब ये सामने स्क्रीन है जो कि ज़्यादा टाइम तो नहीं चल रही थी मेरे तरफ की, लेकिन इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो आपको सब अच्छे से बता दूंगा मैं क्या चीज़ है इसके अंदर क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलते हैं और देखो अब ये स्क्रीन पर क्या क्या है। ये है मेरे सामने ये स्क्रीन, ओके। तो इसके ऊपर देख सकते हो ये सीट नंबर दिखा रहा है, ये अरबी में लिख के आ रहा है, फ़्लाइट की टाइमिंग कितनी है, तो अभी जब इंग्लिश में आएगा आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो ये 55L सीट नंबर, टाइम क्या और है और कब तक पहुँचेगी, कितने घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे 26 मिनट, ठीक है। तो अभी मैं इसको इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ अगर, तो इनके पास क्या क्या देखो, इस्लामिक मूवी टीवी शोस ऑडियो गेम और बहुत सी चीज़ें, तो मैं अभी आपको गेम दिखाता हूँ, ठीक है। गेम में ये सब गेम है,
दिखा था आपको एट पुल, ये ऑन हो रहा है पुल। इंटरटेनमेंट के लिए मतलब हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। अभी ये लोग ईयरफोन भी प्रोवाइड करेंगे जैसा पिछली बार किया था, तो देख सकते हो टाइम पास के लिए हर चीज़ मिलेगी। तो ये तो आपने देख लिया, और रिमोट के बारे में आपको मैं बताता हूँ, इससे ऑपरेट कर सकते हो, इससे खेल भी सकते हो। और ये देखो, ये फ्लाइट हमारी बीच में थी सीट, लेकिन हमें अभी साइड में मिल गई। और ये बाहर का सीन, अभी थोड़ी देर में टेक ऑफ होगी फ्लाइट, तो आपको उसके बाद फिर जो भी अगर फूड वगैरह मिलेगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। जो फ्लाइट उड़ने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाती है वो इंस्ट्रक्शन है, और ये देख सकते हो ये उनके लिए है जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो उनके लिए इशारे से समझाया जाता है, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए। तो देख सकते हो फ्लाइट हो गई है चालू, आवाज़ सुन रहे हो आप। तो अभी एयरक्राफ्ट रेडी है टेक ऑफ के लिए, तो अभी मैं जो भी सीन्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप भी इंजॉय करो वो सीन्स, और मैं रियल आइज से कैप्चर करूँगा, ठीक है। टेक ऑफ, और देख सकते हो चिंता से उड़ी है, और यहाँ पे भी पहुँच गई है इतना, ठीक है। और ये जा रही है मुंबई, ये पूरा मैप में दिखाएगा आपको, देख सकते हो दुबई वुबई सब हो गया, ऐसे में कराची के नज़दीक, फिर सूरत, फिर तब यह नज़दीक ही है सब मुंबई, करीब से जाएगी ये कराची, मतलब कराची पाकिस्तान वाला, और हैदराबाद मतलब इंडिया वाला हैदराबाद नहीं है, पाकिस्तान वाला हैदराबाद। गॉट माई मील, जिसमें चिकन और ये दो पाव होते हैं, तीन पाव, एक डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट, एंड ये भी शायद से डेजर्ट है, तो मैं खोल के दिखाता हूँ। ओके, सो ये डेजर्ट नहीं है, ये क्रीम है और ये ऑलिव है। ओके, एंड ऑल्सो अ कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ दो शुगर एंड वन क्रीमी क्रीमर। ओके, और एक पानी का बॉटल। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, टी और कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी लिया है, ठीक है। और ये जो चिकन है आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ अभी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मील है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से। सब्जी तो मिक्स होती है, पिछली बार यहाँ पे चिकन था, यहाँ पे राइस था, और यहाँ पे ब्रिंजॉल की वेजिटेबल थी। ओके, अभी खाता हूँ मैं इसको, इसके बाद आपको मैं मिलता हूँ। और किट में बता दूँ तो इसके अंदर आपको स्पून, कोक और सॉल्ट, रिफ्रेशमेंट टिश्यू सब मिलता है। ओके, सॉल्ट, पेपर, रिफ्रेशमेंट टिश्यू एंड नॉर्मल टिश्यू, तो ये होती है किट में। ये पूरा टोटल आपको मैंने सब कुछ बता दिया क्या क्या है जो इनकी तरफ से मिलती है। तो अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट जो है लैंड होने वाली है, आपको मैं
स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ और विंडो से भी दिखाता हूँ कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो आप देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये मैप है और इसमें हमें अभी पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो देख सकते हो जैसे कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हो ये आगे हमारा मुंबई। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में लैंड होने वाली है हमारी फ्लाइट। तो देख सकते हो अभी ये कल्याण डोंबिवली साइड है, मतलब ये थाने साइड में। फिर ये साइड से टर्न लेके अब थाने होते होते फिर मुंबई एयरपोर्ट उतरेगी। ओके, फाइनली लैंड हो गई हमारी फ्लाइट टू मुंबई। ओके, तो देखो लैंड हो गई हमारी फ्लाइट रनवे पर है अभी, और अभी सब नीचे उतरेंगे। हम वेट करेंगे क्योंकि ये सब गर्दी खाली हो जाए उसके बाद, क्योंकि पूरा लाइन पूरी भरी हुई है आगे तक, और जब सब खाली हो जाए फिर हम उतरेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सीट जहाँ पर हम बैठे थे, हमें मिला था पिलो एंड एक ब्लैंकेट। ओके, तो पिलो एंड ब्लैंकेट मिला था इस बार, और अभी हम जा रहे हैं एग्ज़िट करने बाहर एयरपोर्ट पर, ठीक है। फिर आगे का क्या प्रोसीजर है आपको वो भी बताता हूँ। हमने कर लिए है एग्ज़िट अभी हमारी प्लेन से बाहर, और ये हमारी प्लेन देख सकते हो, ये है एग्ज़िट। ओके, ये है अराइवल। ओके, देखो जो ब्लैंकेट मिली थी फ्लाइट में तो उसने पहन लिया है, अब वहाँ निकल रहे हम एग्जिट करने और पैसेंजर। सो सेम एज जैसे हम दुबई से आए थे, आपको एयर सुविधा कंपलसरी है, मीन्स आपको सऊदी एयरपोर्ट पे भी एयर सुविधा देखेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको फ्लाइट में आपका एक फॉर्म मिलेगा, लाइक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे कि दुबई में भी मिला था मुझे फ्लाइट में आते टाइम, ठीक है। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म था, वो आपको भर के देना है। ओके, एंड एयर सुविधा याद रखना कि आप फिल कर लो, वैसे तो आपके ट्रैवल एजेंसी ही आपको फिल करके देती है, हमको तो उन्होंने ही फिल करके दिया, लेकिन आप खुद अकेला जा रहे हो तो मेक श्योर आप एयर सुविधा अवेलेबल रखो अपने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, उससे पहले हमको दिखाना होगा एयर सुविधा, जैसे कि आपने मेरे दुबई के ब्लॉग में देखा होगा। तो एयर सुविधा कंपलसरी आपको याद रखना, एयर सुविधा आप बना लो जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो ये है आपका एयर सुविधा चेक करने का काउंटर, तो यहाँ जब तक चेक नहीं होगा आपको एग्जिट करने नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। इसके बाद है इमिग्रेशन काउंटर। 9 नंबर बेल्ट पे हमारा लगेज आया था जो हमने पिकअप कर लिया है, हमारा लगेज। नानी यहाँ बैठे हुए और भाई यहाँ है, आप देख सकते हो 9 नंबर बेल्ट यहाँ पे सामने ड्यूटी फ्री, जैसे कि आपको हर बार बताता हूँ मैं, उसके पीछे इमिग्रेशन होता है, ठीक है।